आज के इस वीडियो में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक आपको बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उसकी ट्रिक आपको बताऊंगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आपको किस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। नंबर सिस्टम में आपको देखने को मिल जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, बहुत ही फास्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 3 और 5 के बीच की अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन है, इसमें आपसे ये पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपरिमेय संख्या का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो कड़ी से क्या हो, फ्री ना हो, ठीक है, स्वतंत्र क्या फ्री ना हो, ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। या कह सकते हैं कि जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त न किया जा सकते अपरिमेय संख्याएं कहलाती है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ कड़ी में 16, अगर आपसे ये पूछूं ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय, ये देखिए कड़ी से क्या हो जाएगा, स्वतंत्र फ्री हो जाएगा। यानी आप इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, या आप ये क्या परिमेय के रूप में है, परिमेय संख्या बोल सकते ये परिमेय है। लेकिन अगर यहीं पे ये लिख दूं कि कड़ी में 17, आप ये देखिए कड़ी से फ्री हो जाए क्या, यानी ये देखिए कड़ी से फ्री नहीं होगा, पॉइंट में आएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव वाला मुझे काउंट नहीं करना है, यानी ये स्वतंत्र फ्री नहीं होगा कड़ी से। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो कड़ी से स्वतंत्र फ्री ना हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो पाई है ये क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो ये आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। या आप इसको नोट में कर लीजिए, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन दोनों के बीच में क्या पूछा आपसे, अपरिमेय संख्या पूछा। देखिए ये जो 9 है इसको, सॉरी जो 3 है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते क्या, जो 3 है इसको हम लोग ऐसा लिख सकते, कोई फर्क है होगा कि नहीं होगा, कोई फर्क नहीं होगा। यानी कि जब इसका मान, जैसे ये कड़ी में 9 मैंने लिख दिया है कि नहीं, ये देखिए कड़ी से फ्री होकर कितना देगा, 3 ही तो देगा। यानी 3 को हम लोग क्या कर सकते, ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, ऐसे कड़ी में लिख दिया, कोई फर्क नहीं है। तो सेम इसको भी हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये जो 5 है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कड़ी में 25 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिल जाएगा, फिर आपको 5 मिलेगा। इतना क्लियर है, इसको मैंने इस तरह से लिख लिया और इसको मैंने इस तरह से लिख लिया। अब प्रश्न में ये पूछा है कि इनके बीच में, अब आपको ये चेक करना है, कड़ी में तो सभी वैल्यू, अब आपको ये चेक करना है कि 9 और 25 के बीच में कौन सा ऑप्शन है। ये देखिए क्या 9 से तो छोटा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। इन दोनों के बीच में आपको बताना है, 9 और 25 के बीच में बताना है। तो यहाँ पे ये कितना है, 3, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। और ये जो 27 है ये 25 से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और मुझे बताना है कि इनके बीच में, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं, तो डी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन में सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 5 और 7 के बीच अपरिमेय संख्या निम्न में से कौन है। अब देखिए पूछा है कि इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या आपसे पूछा है। जो ये 5 है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 25 लिख सकते हैं, कोई फर्क होगा नहीं। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान फिर कितना मिल जाएगा, 5 आपको मिलेगा। तो इसको भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कड़ी में कितना लिख सकते हैं, 49 लिख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब प्रश्न आपसे ये पूछा है कि इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये तो 11 है, 25 से छोटा है, तो ये तो होगा नहीं। अब ये देखिए क्या 51 है, तो लेकिन इससे ज्यादा हो जा रहा, 49 से ज्यादा, ये भी तो होगा नहीं, ये भी क्या ज्यादा है। तो कौन सा आएगा, 25 और 49 के बीच में कौन आएगा, 38 आ जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या कौन सी आएगी, कड़े में 38 आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में थर्ड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि एक्स बराबर ये चीज दिया है तो पूछा क्या आपसे, इसका मान आपसे पूछा है, यानी कड़ी में एक्स माइनस 1/ कड़ी में एक्स का मान आपसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पे कड़ी में एक्स है और यहाँ पे कितना, सिर्फ एक्स है। अगर मैं करूं क्या, दोनों पक्षों को क्या कर दू, रूट निकाल दू, दोनों पक्षों को क्या कर दू, कड़ी लगा दू, दोनों पक्षों में क्या कर दू, इस तरह से कड़ी लगा दे रहा हूं। इतना क्लियर है। अब देखिए करने की, जब दोनों पक्षों मैंने कड़ी लगा दिया, जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा। सबसे पहले आपको ये चेक करना कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। जैसे मैं ये लिख दूं कि कड़ी में 16, मैं आपसे ये पूछूं कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आप बताएंगे इसका वर्गमूल निकलेगा।
तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसे पता करेंगे कि इसका वर्गमूल निकले कि नहीं निकले। जैसे 16 का तो हम लोग पता कर सकते हैं, लेकिन इसका कैसे पता करेंगे कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो इसका तरीका यही होता है कि यहाँ पे 2 हमेशा होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 रहेगा तो इसका वर्गमूल निकलेगा, अगर यहाँ पे 2 नहीं रहेगा तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, यानी इसका 2 है तो यहाँ पे क्या वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, अब कहने का मतलब अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो भी इसका वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, इसका यहाँ पे 4 आ जाए तो भी इसका वर्गमूल निकलेगा, लेकिन 4 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, 4 को 2×2 के फॉर्मेट में लिख लेंगे, और 1×2 को हम लोग करेंगे कड़े के अंदर ट्रांसफर कर देंगे और 1×2 हमारा यहाँ पे बचा रहेगा, तो 4 रहेगा तो भी आपका निकलेगा। ठीक है, अब क्या करना है कि यहां से अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मैं आपको तरीका बताऊं। इसका करना कि आपको ऐसा गुणनखंड करना है ताकि जोड़ने पे ये आपको मिल जाए, ये वाला आपको मिले, तो आप इसका गुणनखंड कर सकते हैं 2×1=2। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको 3 आपको मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी ये वाला मुझे चाहिए, जोड़ने पे कितना 3 आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है, इसका देखिए गुणनखंड मैंने इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे प्लस का साइन, आप यहाँ पे प्लस आप लगा लीजिए, यानी मुझे यहां से कड़ी कड़ी में एक्स का मान कितना पता चल गया, इतना कड़ी में एक्स का मान कितना पता चल गया, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 1 लिखे या डायरेक्ट 1 लिखे कोई फर्क तो होगा नहीं, ये कड़ी से आपका फ्री हो जाएगा, कोई फर्क होगा नहीं। इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे इसका मान पता चल गया, अब करना क्या आपको 1/x का मान पता करना है। तो 1/x का मान कितना होता है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी सॉल्व करा दिया। अगर किसी चीज का मान दिया है, ठीक है, किसी चीज का मान दिया और पूछे क्या आपसे उल्टा पूछे, तो उल्टा में होता क्या, यहाँ पे जो साइन है इसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को पहले भी मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, यानी अगर ये मान दिया है तो उल्टा का मान पता करने के लिए यहाँ पे बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और -1 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिये इसका भी मान पता चल गया और 1/x का भी मान पता चल गया, कड़ी में जो वैल्यू दी गई है। अब इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, इसमें रख के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कड़ी में 2+1। अब देखिए इससे पहले क्या माइनस लगा है, जो भी एक्स का मान आएगा, ठीक है, इससे पहले माइनस में लगा है, जब माइनस है तो ये भी माइनस कर देगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस लग गया तो जो प्लस वाला साइन है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी यहां से कितना हो जाएगा, ये +1। ये बात लग रहा समझ में नहीं आई, ऐसे में कह रहा हूं अगर ये जैसे एक्स का मान रखू तो ये कितना हो जाएगी, इसका मान कितना, इस पूरे हिस्से का मान कितना पता चल गया मुझे, इतना पता चल गया है ना, इतना है, तो मैं डायरेक्ट रख रहा हूं, और इससे पहले माइनस है तो आप रख लीजिए, ये माइनस है, इस वाले हिस्से का मान कितना है, इतना है, जब यहां से प्रसार करेंगे तो ये -2 हो जाएगा और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। वही चीज मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, वही चीज आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब देखिए करना है कि ये कुछ टर्म देखिए कटेंगे आपस में, तो काट दीजिए, तो 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन के इसका मैच करा। देखिए इसमें करना क्या है, आपको करना है कि इसका वर्गमूल निकालना, जो भी आएगा तो कड़ी में एक्स का मान पता चल गया, उल्टा का मान पता करने के लिए बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब दोनों का मान पता है तो इन दोनों को घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, x² ये है, तो इसका मान आपसे पूछा है, इसका मान आपसे पूछा है। सबसे पहले देखिए करना कि यहाँ पे जो स्क्वायर है अगर मैं इसको हटा दू तो इधर आगे क्या लग जाएगी, ये कड़ी लग जाएगी। इतना क्लियर है, इधर आगे क्या लग जाएगी, ये कड़ी लग जाएगी। अब करना क्या, मतलब क्या करना, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। अभी मैंने आपको ये ऊपर बताया कि इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो क्या तरीका है, मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 होना आवश्यक है, तो जो 4 है इसको आप क्या कर सकते हैं, 2×2 आप लिख सकते हैं, 2×2 आप लिख सकते हैं, 1×2 को अंदर भेज देंगे, लेकिन जब ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर के फॉर्मेट में जाएगा, तो स्क्वायर के ये फॉर्मेट में जाएगा, तो अंदर कितना हो जाएगा, ये यहां से कितना हो जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये 4 हो गया, कड़ी में 4 और ये कड़ी में 3 कितना हो जाएगा, कड़ी में ये 12 हो गया। इतना क्लियर नहीं, मैं अंदर कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पे देख लीजिए, मैं यही कह रहा हूं कि जब ये अंदर जाएगा तो कड़ी में हो गया और ये कड़ी में पहले से 3 है, ये कितना हो जाएगा, कड़ी में 12 हो जाएगा, यही चीज मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब ये करना है कि इसका हम लोग करते हैं कि ऐसा गुणनखंड करते हैं ताकि जोड़ने या घटाने पर ये वाला मिले मुझे,
तो क्या कितना कर सकते हैं, 4 3 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कड़ी में 4 और ये कितना हो जाएगा 3। बड़ा वाला आपको पहले लिखना है, यहां पे माइनस लगा तो मैंने यहां पे माइनस लगा दिया, यानी मुझे एक्स का मान कितना पता चल गया, यहां से एक्स बराबर कितना पता चल गया, कड़ी में 4 माइनस और ये कड़ी में 3, इतना क्लियर है। अब देखिए मुझे एक्स का मान पता चल गया, अब 1/x का मान निकालना है, तो 1/x का मान निकालने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको पीछे, यहां पे जो साइन दिया रहेगा बट साइन चेंज हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको साइन चेंज कर देना, तो 1/x का मान आपको पता चल जाएगा, 4 हो गया प्लस, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको आप 2 भी तो लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2 लिख लीजिए, हम लोग 2 डायरेक्ट लिख लें, ठीक है 2 लिख लीजिए डायरेक्ट, ये कड़ी में 3, इतना क्लियर है। आप देखिए करना क्या, आपको इसका और इसका मान पता चल गया तो पूछा क्या आपसे, इसका मान पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा। अगर आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये टर्म आपस में कट जाएंगे, ठीक है ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, कटेंगे कि नहीं कटेंगे, ये दोनों टर्म आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 1/x, तो ये वाले तो कट गए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, दो दो कितना मिलकर हो गया 4 हो गया। ऐसे प्रश्न आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा, यदि एक्स प्लस 1/x बराबर इतना है तो, है तो इसका मान आपसे पूछा है x³ + 1/x³, ऐसे प्रश्न आपने एलजेब्रा में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक भी मैंने आपको एलजेब्रा में पढ़ा दिया, आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे मेरे नाम से, तो लिंक आपको वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। देखिए क्या कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, अगर ये क्यूब है तो इसका करना क्या आपको क्यूब करना है, अगर ये क्यूब है तो इसका करना क्या आपको क्यूब करना है। अगर आप 4 का जब क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 × 16 = 64 होता है, कितना होता है 64 होता है, ठीक है। इसका आंसर देखिए, इसको ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है मैं आप पहले से बता दे रहा हूं, इसको ऑप्शन क्या टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिल जाएगा 64 आपको मिलेगा, इतना क्लियर है। अब क्यूब करने के बाद हम लोग करते क्या, इन दोनों का आपस में मल्टीपल करते हैं, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 12 मिलेगा, इतना क्लियर है। अब इसके बाद देखिए प्लस प्लस साइन है तो आप इसको क्या करिए, घटा लीजिए। देखिए क्या बताया, एक बार आपको फिर से बता रहा हूं, अगर इस वाले हिस्से का मान दिया है और इसका मान आपसे पूछा है क्यूब के फॉर्मेट में, अगर ये क्यूब के फॉर्मेट में पूछा है तो इसका क्यूब आपको करना है तो कितना मिल जाएगा, 64 आपको मिलेगा, इतना क्लियर है। फिर मैंने ये बताया कि इन दोनों का आपस में करना क्या, गुणा करना, 4 3 12 मिल गया। अब ये 12 जोड़ेंगे घटाएंगे तो इसके लिए भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रखा है अलजेब्रा में, अगर प्लस प्लस साइन रहेंगे तो करना क्या आपको घटाना है, जब आप इसको यहां से घटा लेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा और ये कितना 5, यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 52 मिलेगा, कितना मिलेगा 52 मिलेगा, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो गया बट आपको समझाने में हो गया, अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा 2 − √3 मिलेगा, एक्स का मान पता चल गया तो 1/x का मान पता करने के लिए बट साइन चेंज हो जाएगा, अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो गया, यहां मैंने कर लिया। अब इसका मान पूछा है तो इसका क्यूब करके इसका गुणा करके घटा लेंगे, आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन टाइप करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 52 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से दिया है और b बराबर इतना है, तो इसका मान आपसे पूछा है, aq + bq का मान आपसे पूछा है, तो सबसे पहले आपको करना है कि देखिए इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ये तरीका मैंने आपको चेक करने का तरीका बता दिया। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा, यहाँ पे भी 2 है, जाहिर सी बात इसका वर्गमूल निकलेगा, तो करना कि इसका ऐसा गुणनखंड करना है ताकि जोड़ने पे ये वाला आपको मिले, तो आप कह सकते हैं कि 4 3 12, 4 3 12, अब कड़ी इसमें भी लगा दीजिए और कड़ी इसमें भी लगा दीजिए, प्लस साइन है तो इनके बीच में प्लस का साइन लगा दीजिए, लेकिन ये देखिए कड़ी से फ्री हो जाएगा, तो ए बराबर आपको कितना मिल जाएगा, ए बराबर कितना मिल जाएगा, ये आपको कड़ी से फ्री हो जाएगा तो कितना दे देगा, 2 दे देगा, और बी का मान ये सॉरी यहाँ पे कितना, ये इतना है। अब यहां से करेंगे तो सेम आपको कितना मिलेगा, 4 3 12 होगा, लेकिन 4 3 12 और जो कड़ी में 4 ये क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये कड़ी में 3 आपका रहेगा,
इतना क्लियर निकले। ये इस स्टेप को मैंने डाइट कर लिया, ठीक है, एक स्टेप आपको यहाँ से मिलेगा कड़ी में फोर, लेकिन मैंने इसको डाइट कर लिया, इतना क्लियर है। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आप माइनस लगा देंगे। बी का मान कितना पता चल गया, बी का मान आपको कितना पता चल गया, टू माइनस कड़ी में थ्री। आपसे इसका मान पूछा है और ये देखिए फार्मूला दिख रहा है आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी, थ्री ए बी ब्रैकेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ये आपका फार्मूला होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला आपका ये होता है। अब करना क्या आपको, इसमें रख के सॉल्व करना है। इसका मान आपसे पूछा है, अगर आप करना है कि a प्लस बी, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, a प्लस बी जब करेंगे तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस वाला टर्म आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, प्लस माइनस वाला ये कट जाएंगे, तो मिलेगा कितना, दो दो कितना हो जाएगा, ये चार हो गया, होगा कि नहीं होगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये माइनस में और ये प्लस में आपस में कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे चार हो गया। तो इसके स्थान पर लोग कितना रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, चार की पावर तीन, इतना क्लियर है। अब देखिए करना है क्या, थ्री, अब करना है कि इन दोनों का गुणा करना है। अगर आप इसे ध्यान से देखें आपको फार्मूला दिख रहा है, ये इसे ध्यान से देखें तो आपको फार्मूला दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो करना क्या, आप इसका पहले का स्क्वायर करेंगे तो चार मिलेगा और बी का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, ये कड़ी, कड़ी हट जाएगी, ठीक है, जब कड़ी में थ्री इसका स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, तो कितना मिल जाएगा, एक आपको मिलेगा, यानी a इंटू बी का मान कितना पता चल गया, एक है, इतना क्लियर है। अभी मैंने a प्लस बी का मान जोड़ा, मुझे कितना मिला था, चार मिला था, तो इसके स्थान पर लोग कितना रख सकते हैं, चार रख सकते हैं, इतना क्लियर है। अब करना कि अगर आप चार का जब क्यूब करेंगे, चार चौको सोलह, चौको चौसठ, जब इन दोनों का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा, ये बारह। अब घटा लीजिए आपको क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 52। इसका आंसर कितना आ गया, 52, यानी 52 आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। अब रहने दे रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जो लोग नए हैं, मैंने आपको अर्थमेटिक में सभी चैप्टर पढ़ा दिया है, ठीक है, और एडवांस में भी आपको मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उन दोनों चैप्टरों को भी आपको पढ़ा दिया है। उन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी या वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं जो चैप्टर आपको पढ़ना है। बिल्कुल बेसिक से सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है।